नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की अगर मैं बात करता हूं करीबन डेढ़ परसेंट का एक अपमूव हमें देखने को मिला है टू एट्टी थ्री रुपीज़ फोर्टी फाइव पैसे पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है वही थ्री आवर चार्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए स्टॉक ने एक हाई बनाने की कोशिश की थी टू नाइन्टी फोर रुपीस नाइन्टी थ्री पैसे का इसके बाद डाउनफॉल स्टॉक में जारी है अगर यही गिरावट जारी रहती है तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट यहाँ पर लगा कर चल सकते हैं टू सेवेंटी रुपीज़ का अगर इस सपोर्ट लेवल को भी स्टॉक ब्रेक करता है टू सिक्सटी टू फिफ्टी तक के लेवल्स भी देखने को स्टॉक में मिल सकते हैं लेकिन यहाँ से रिकवरी बनती है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 290, 300 थ्री हंड्रेड यहाँ तक कि थ्री हंड्रेड टेन तक के टारगेट्स भी अचीव होते हुए क्रैन्युल्स इंडिया में नज़र आएंगे तो अगर आपके पोर्टफोलियो में क्रैन्युल्स इंडिया शामिल है कंटिन्यू होल्ड करें लेकिन यहाँ पर अगर आप पाइंग करने का सोच रहे हैं तो देखिए एक रजिस्टेंस लेवल स्टॉक में बरकरार है टू नाइन्टी फोर रुपीज सेवेंटी सिक्स पैसे का जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ब्रेक नहीं करता कोई भी फ्रेश बाइंग हमें नहीं करनी है तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाकर चल सकते हैं जैसे ही बाइंग का शानदार मौका बनता है हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है क्रैन्यूल्स इंडिया में आप चाहें तो अपनी खुद की एनालिसिस खुद की रिसर्च ज़रूर करके चल सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद